मेरे बारे में झूठ में बोल दिया साला बाबा मान, अगर बाबा है तो मैं। ये औरत बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को गाली क्यों दे रही है जान लीजिए। ये तो आपको पता ही है कि बाबा लोगों के बताने से पहले ही मन की बात पर्ची पर लिख कर रख देते हैं। ऐसा ही कुछ इस महिला के साथ भी हुआ है। दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा इस महिला को बुलाया गया। हर बार की तरह इस बार भी धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले से ही पर्ची लिख कर रख ली थी। महिला से उसकी परेशानी पूछिए, देखिए फिर क्या बोलती है ये महिला। बोलो क्या प्रश्न है। बाबा जी हमारे शादी का 4 साल हुआ, हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं, और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक आओ आप, और कुछ पूछेंगी तो मेरी नौकरी लग जाए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि महिला ने अपनी परेशानी शास्त्री को बताई। अब शुरू होता है धीरेन्द्र शास्त्री का बोलना। जब धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं तो महिला अपनी सहमति देते हुए साफ साफ सुनी और देखी जा सकती है। देखिए कैसे महिला अपनी सहमति देते हुए नजर आ रही है। तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारा पति भी 3 औरतों के चक्कर में है, एक के चक्कर में तुम पकड़ चुकी हो, उसी बात पे कलेश हुआ है, और तुम्हारी भी एक जगह फदाल बचा रहा, उसी को कलेश मचा रहा है, मुन्ना पीछे पड़ा हुआ है, अब मत खुलवाओ आगे। माइक लीजिए, हाँ या ना बोलिए। जी बाबा। क्या ये बात सही है? जी बाबा। हाँ, अब तुम भी सुधरो, तुम्हारा खसम भी सुधर जाएगा। जी बाबा। देखा आपने किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने महिला को बोला, तेरा पति 3 औरतों के चक्कर में पड़ा हुआ है और तुम भी कम नहीं हो, तुम भी एक के चक्कर में पड़ चुकी हो। जब धीरेन्द्र शास्त्री ये बोल रहे थे तो महिला की सहमति आप साफ साफ देख और सुन सकते हैं। महिला जी बाबा जी बोलकर अपनी सहमति दे रही है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री को खुले मन से महिला को अपने शब्दों से कई बार बहन बुलाकर संबोधित करते हुए देखा जा सकता है। हाँ या ना बहन जी, तुम हमारी बहन हो, हम किसी की अवहेलना नहीं कर रहे, परंतु आप अपना मुंह कंट्रोल रखिए, पति से सामंजस्य बने, ऐसी विश्वनाथ के दरबार से आशीर्वाद है। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा एक मंत्र भी महिला को बताया जाता है जिसके बाद महिला चली जाती है। पर जाने के बाद महिला का एक वीडियो सामने आता है जिसमें महिला धीरेन्द्र शास्त्री को गालियां देते हुए और शास्त्री को चैलेंज करते हुए देखी जा सकती है। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। हाँ। साला बाबा मान, अगर बाबा है तो मैं यहाँ गाली दे रही, मुझे पकड़वाए कि मैं जिस लड़की का पर्चा बनाया हूँ वो लड़की मुझे वहाँ बैठ के गाली दे रही है, तब तो मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगी। ऐसी माँ बाबा बहुत देखे आया, इनका भी कुछ दिन में लापता, जेल में रोटी तोड़े। अब बात आती है कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री ने झूठ बोला तो वो वहाँ धाम में इस औरत की बोलती बंद क्यों हो गई थी, और महिला जी बाबा जी बोलकर सहमति क्यों दे रही थी। ये महिला मंच से जाने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को झूठा बोल रही है। यही बात वो मंच पर धीरेन्द्र शास्त्री के सामने भी बोल सकती थी। आपको क्या लगता है, औरत झूठी है या धीरेन्द्र शास्त्री? ब्यूरो रिपोर्ट, सरेआम टीवी।